बार फिर से टीएनआई के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है जी। आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं मैं जिन्होंने एक नहीं दो दो सरकारी नौकरी अचीव की है और वो भी टीजीटी पोस्ट जो काफी सम्मान की पोस्ट मानी जाती है। पहली बात तो बेटा आपका स्वागत है, वरुण नाम है मेरे बेटे का, याशीष ने टीएनआई के मंच से ये जुड़ा रहा है, पिछले कई साल से तैयारी की है, तो बेटा एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं वरुण फिलहाल टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैं द्वारका सेक्टर 3 साइट 1 के स्कूल में पोस्टेड हूँ और मैंने इस इंस्टीट्यूट से पीआरटी की कोचिंग ली थी जिससे मुझे टीजीटी के लिए भी काफी हेल्प मिली जनरल पार्ट के लिए। और बेटा कोई अगर कुछ पूछना चाहता है इस बच्चे से कि तैयारी कैसे करनी है जो भी, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा पूछना चाहता कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तैयारी को लेके या कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि सर कैसे, तो कोई बच्चा पूछना चाहता हो जीके के लिए? एक मिनट बेटे, जीके के लिए एक बार ना एक माइक दे के आओ, जो भी बच्चा पूछेगा ना उसको माइक दो। और बेटा हाँ आवाज नहीं आएगी ना वैसे। जीके के लिए स्ट्रेटेजीज बता दो कि एक ही टाइम पे हम कैसे सारा कंटेंट को याद रखें। देखो जीके काफी डायनामिक है, उसमें आपका क्या नाम है, पोस्ट किस लिए, कौन सी आपकी, पीआरटी के लिए आप ना जीके को सबसे लास्ट में करना फिर माना तो, क्योंकि जीके कहां से पूछे कुछ नहीं पता, वो आपका बेसिक एनसीईआरटी से पूछ लेंगे, सिंपल ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स से पूछ लेंगे, आपका करंट अफेयर पूछ लेंगे या कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके ना ही न्यूज पेपर में आए होंगे, है ना? तो उसके लिए आप कुछ बुक्स आती हैं सक्सेस मिरर नाम से, किरण की भी आती है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। और आपके इंस्टीट्यूट में आपके नोट्स तो बनवाए जाएंगे ना, उन्हें बोर्ड के पिलो बस, ठीक है? और बेटा किसी बच्चों को पूछना हो? हाँ सुषमा। सर जैसे कि जर्नल पेपर हमारा होता हमारा, तो उसके लिए हमें कितना टाइम टेबल सेटअप करना चाहिए कि हर प्रत्येक सब्जेक्ट हो, जैसे कि हमारे जर्नल पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए हमें कैसे टाइम सेटअप करना चाहिए कि मतलब उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए? टाइम सेटअप का मेरा ऐसा था, मैंने एक बार में एक सब्जेक्ट को कवर नहीं किया, जैसे मैंने 2 घंटे पढ़ा हिंदी, फिर आधा घंटा गैप, 2 घंटे बाद कोई और सब्जेक्ट, फिर आधा घंटा गैप, 2 घंटे बाद कोई और, इसमें क्या था मेरा मैं बोर भी नहीं होऊंगा एक चीज पढ़ के, और डेली मेरा हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कवर हो रहा था, तो लगता है उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। ओके और बेटा कोई पूछना चाहता हो कुछ? हाँ रीना। सर मुझे ये पूछना है, मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ थोड़ा कमजोर है, तो आप मुझे बताइए कि इस मैथ को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि सबका सब सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और हो सकता है कोई आपका भी कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो वीक हो, और आपने उस पर कैसे काम किया? अब मैथ्स में देखो आपको ट्रिक सिखाते हैं, एक ट्रिक पकड़ो, हर ट्रिक के कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लो, आपकी वो ट्रिक पक्की हो जाएगी। ऐसे फिर नेक्स्ट टॉपिक लो, जैसे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसमें आपकी ट्रिक्स हैं, एक ट्रिक के कम से कम 3-4 क्वेश्चन करें, छोड़ो उसको, फिर आपका परसेंटेज है उस पर अलग 5-6 क्वेश्चन करें उसको, किया टाइम एंड वर्क है उसके 4-5 क्वेश्चन करें उसको, एक बार में एक टॉपिक लो, उस टॉपिक के सारे ट्रिक के कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। हम ये नहीं कर रहे कि हम ये भी कर लूँ मुझे ये नहीं आ रहा, एक बार में एक कवर किया नेक्स्ट ऐसे। पहले का मतलब ये बेटा कि एक बार एक टॉपिक को मैथ का आप अच्छे से कर लो, क्योंकि मैथ में अगर आप सारे के पीछे दौड़ोगे तो सकता है नथिंग हो जाओ, तो मतलब टॉपिक जिसको भी करो उसका ऑपरेशन कर दो, राइट? बिल्कुल हाँ। और बेटा किसी के मन में कोई डाउट हो बोलिए, कुछ पूछना हो? हाँ पंकज पूछ रहे बेटे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे आए, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडीज को कैसे मैनेज करते हो कि आपकी स्टडीज भी इफेक्ट ना और आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट ना। पर्सनल लाइफ किस सेंस में? जैसे कि आपका अपने घर के काम हो गए, या फिर आप अपने जैसे कि अपने पर्सनल टाइम जैसे एक्सरसाइज हो गया या अपने आपको पॉलिश करना है जैसे उस वे में, और स्टडीज भी आपकी इफेक्ट ना हो कि आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चलता रहे, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाए उसके 2 महीने पहले सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ
मतलब आपका ऐसा है कि आपका जो पढ़ाई है वो सब कुछ है। मैंने तो ये तक किया था इसे सारा काम छोड़ दिया और मेरी वीकनेस थी नींद, मैं नींद काफ़ी आया करती, तो उसमें क्या था मेरा जो टाइम था पढ़ने का वो कम मिल रहा था। मैंने अपनी नींद कम करी, उसके लिए मैंने क्या किया था अपनी डाइट कम करी, इन जो कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, जो आपकी अदर चीज़ें हैं आपकी दालें सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, ताकि न्यूट्रिशन बना रहे और नींद कम आए, ये मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। और स्ट्रेटजी मेरी यही थी, दो घंटे आधा घंटा ब्रेक, दो घंटे आधा घंटा ब्रेक, इससे बोर भी नहीं हुआ और ना ही नींद आई और माइंड जो है एक्टिव रहा, क्योंकि हर दो घंटे बाद नया टॉपिक मेरे पास आ रहा था पढ़ने के लिए। थैंक यू। और बेटा किसी को कुछ पूछना हो? जैसे हम क्वेश्चन करते करते हमसे क्वेश्चन नहीं होते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन हमसे नहीं होते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, वहां से अपने आप को कैसे निकालें? फिर एक मन करता है कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो सब। देखो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपका मेन फोकस है जॉब पाना, जॉब के लिए जो कुछ करना बनता है ना उसमें आपको बोर होना नहीं चाहिए, आपके मन में मुझे वो चीज चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े तो वो आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, आपके अंदर से उसको पाने की लालसा है ना, उस लालसा को मरने मत दो, बस बोर हो रहे हो जाओ, छोड़ो मत। बोर नहीं, डीमोटिवेशन आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो उससे कैसे हो? डीमोटिवेशन क्वेश्चन सॉल्व तब नहीं होंगे, आपको कुछ आएगा नहीं तब, आपके पास ट्रिक है, आप उस गलती कर रहे हो, दोबारा रिवाइंड करो, गलती हो कर रही है, गलती पकड़ में क्यों नहीं आएगी, गलती ढूंढो उस पर काम करो, हो जाएगा ठीक। और बेटे कोई भावना पूछना चाह रही? हाँ भावना को, जो ये पीजी टीवी लगी हुई है जो आपके जो ईएमआर के स्कूल है अब डिजिटल प्रिंटिंग कर देती है। हाँ बेटे आपने जो मतलब आपका इंग्लिश जो था, इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी? अब मैडम इंग्लिश के लिए तो मेरे तो स्कूल में पढ़ लिया मैंने, सिर्फ वही किया था मैंने बस, और एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो थोड़ी बहुत की थी, बाकी जो स्कूल में मैंने पढ़ लिया 6 से लेकर 10 12 तक, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। इंग्लिश इसकी काफी अच्छी थी, इसकी जो वीकनेस थी वो हिंदी। क्या बेटा बता दें? हिंदी मेरी तो थोड़ी सी साइकोलॉजी थी। हां साइकोलॉजी, उसके बाद तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा इस बच्चे ने जो बताया आपको उसके जो कॉन्क्लूजन अगर हम निकाले, निष्कर्ष अगर निकालते हैं, निष्कर्ष निकलता है एक तो आपको अपनी कमी का पता लगाना है कि भी हमारी कमी क्या है, हम गलती कहां पर करते हैं और गलती कैसे करते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि भी कंटिन्यू आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप दो घंटे पढ़ते हो, सीटिंग कैपेसिटी आपकी दो घंटे है तो बीच में ब्रेक दे दीजिए आधा घंटा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, शरीर को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तीसरी मेन बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, जैसे वो बेटा पूछ रहा था कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसका एक यह डीमोटिवेट सभी होते हैं, और इस बच्चे का तो डीमोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा हो रखा है, सर मेरा पीआरटी में नहीं होता, मेरा नहीं होगा, इंटेलिजेंट लड़का है नो डाउट, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी किस्मत का भी रोल होता है उसमें, 1% किस्मत का रोल होता है। फिर मैंने बोला इसको बेटा आप टीजीटी की तैयारी कीजिए, बोला सर मेरा पीआरटी में, टीजीटी में कैसे हो जाएगा? मैं बेटा आपका ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है जर्नल पेपर, क्योंकि कोचिंग लेता था तो हमें पता था, और ओबीडियंट भी है, जैसे ये नहीं कि खाली भी इंटेलिजेंट है, संस्कारी भी है, ओबीडियंट भी है। उसके बाद इस लड़के ने टीजीटी एसएसपी फिलहाल ये कार्यरत है, टीजीटी हिंदी भी निकाला हुआ है, टीजीटी हिंदी पर भी सिलेक्ट है ये, और दो दो एक ही साथ, लेकिन लगन नहीं छोटी। अब नहीं तो 1.5-2 साल कोचिंग लेने के बाद दुनिया घर बैठ जाती है, मेरा नहीं होगा। वो दो बेटे लक्ष्य है शायद आपका नाम, आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर डीमोटिवेट, तो ये देखो कितने लंबे सफर के बाद भी ये डीमोटिवेट नहीं हुआ, आखिर में सफलता देखो भगवान ने जब दी ना तो दो छप्पर फाड़ के दी है, दो जोग दी है, लेकिन लगातार लगा रहा, ठीक है।
तो पहली बात तो बेटा बहुत बहुत आपको बधाई। अब एक और क्वेश्चन है, इन बच्चों को बता दो कि ये जो आपका अपना मंच है TNI, इससे आपको क्या मिला सीखने को, क्या वो एक्सपीरियंस बताओ यहाँ के, मतलब क्या आपको अलग चीज मिली, क्या इसकी ड्रॉबैक इस इंस्टीट्यूट की, क्या इसकी खासियत है, दोनों बताना, हमारी बुराई भी अगर कोई लगती है तो, और अच्छाई है तो। जब यहाँ पे आया तो सभी टीचर अच्छे थे और स्टार्टिंग से लास्ट तक सभी ने, मतलब जैसे स्टार्टिंग में एक्टिव थे और जो इंटरेक्शन हमारा बना स्टार्टिंग से ही वो लास्ट तक कायम रहा। कुछ कमी लगी मान लो बाई चांस के कुछ समझ नहीं आया तो टीचर यहाँ रुकते थे, वही आधा घंटा एक घंटा आफ्टर क्लास रुके हुए हैं, हमसे बात कर ली। और मेन बात थी कि पढ़ते हुए बोर नहीं हुए, कभी कुछ मतलब जोक मार दिया, मीन्स लर्निंग विद फन थी यहाँ पे। और उस भाई के बात पे मैं एक और बात कहूंगा कि डीमोटिवेशन तब फेस की जाती है जब आपको लगता है कि टाइम तो कुछ नहीं बचा और सिलेबस इतना बचा हुआ है, उस टाइम पर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि कैसे हुआ, क्या होगा या कैसे करूं। उसके लिए ना अपना जब आप पढ़ने बैठो सिर्फ किताब लेके पढ़ना शुरू मत कर दो, अपना टाइम फिक्स करो कि मुझे इतने टाइम में ये टॉपिक कवर करना ही करना है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक बात बैठ जाएगी, मेरे पास इतना टाइम है और ये टॉपिक मुझे खत्म करना है। अगर आपने ये चीज नहीं करी आपका माइंड भटकता रहेगा, आप सामने देख रहे हो, ध्यान से और ज्यादा आपका ये चीज बहुत फेस करते हैं। इसको मैंने टैकल ऐसे किया था, टाइम फिक्स किया, उस टाइम में टॉपिक फिक्स किया, अपने पढ़ने बैठा तब उसको कवर किया। कितनी अच्छी बात बोली बेटा, तो टारगेट करके पढ़ना कि आज मुझे इतना पढ़ना ये पक्का करना, बहुत बढ़िया बात बोली है। दूसरा एक इन बच्चों के दिमाग में एक चीज और रहती है कि सर आप लोग जो कराते हो क्या वो इनफ है, इसके अलावा कुछ करें, वो इनके मन से एक बार और बता दो। देखो जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे वे मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक तो जो यहाँ पे कराया जाएगा वो तो पढ़ना है ही है, उसके अलावा अपने आप भी अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने हैं। जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जाएंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन टेस्ट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं पेपर में। बस यही खासियत है बेटा, जो हम कराते हैं मतलब पेपर को टारगेट करके जो क्वेश्चंस बनाते हैं जो सब्जेक्ट वाइज टीचर देते हैं उनको जरूर टारगेट करना, ठीक है। तो बेटा हाँ भाई क्वेश्चन पूछना, एक बार मैडम अभिषेक के पास लेके जाओ फटाफट माइक को, आप आगे आ जाओ ना बेटा थोड़ा। सर मेरा ये डाउट है, जैसे कि हमारी जो पढ़ने की अप्रोच होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि कोई सोचता है कि भाई हम डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ें, कोई सोचता है कि जैसे कि हम है ना पहले एक सब्जेक्ट को कवर अप कर लेते हैं फिर अगले पे मूव ऑन करते हैं, तो सर आपकी क्या अप्रोच थी, मतलब डेली आप सारे पढ़ते थे कि? जी मैंने बताया था, शायद आप लेट आए हो। हाँ लेट हो गया, तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैं डेली हर टॉपिक को कवर करने की अप्रोच रखता था कि दो घंटे मैंने मान लो अपना इंग्लिश पढ़ लिया, दो घंटे मैथ कर लिया, दो घंटे रीजनिंग कर लिया, और हर दो घंटे में 20 या आधे घंटे 20 मिनट या आधे घंटे का गैप। थैंक यू। तो बेटा एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरी बात, आपने समय निकाला, भगवान से कामना करता हूं कि भाई आप जल्दी PGT की पोस्ट मिले। एक और सपना इस बच्चे का UPSC क्रैक करना, तो ये बस शुरुआत इनके लिए। वो इनको एक शेर सुनाता था मैं कि भाई मुबारक उसी डियाउने, मुबारक उसी डियाउने जिन्हें छतों तक जाना है, जिनकी मंजिल है आसमां, उनको रास्ता खुद बनाना है। तो बेटे उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और जल्दी से वो भी अर्जित करो, खुश रहो, ठीक है बेटे।